The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aur aaj hum baat karenge ki aap jo hai fats, charbi, lipids, जो आप मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, या किसी प्रकार का ऑयल खाते हैं, चीज खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उसमें जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, उसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, उसके अंदर क्या होता है. देखिए, चार प्रकार के फैट्स होते हैं आपके. एक होता है सैचुरेटेड फैट, और होता है एक होता है ट्रांस फैट. सबसे खराब होता है ट्रांस फैट, और उसके अंदर एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड. राइट, इनके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं. राइट, एक होता है डबल बॉन्ड सिंगल, तो मोनो, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स तो पॉली अनसैचुरेटेड. अब इसमें क्या है कि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स और हेल्थ इंपैक्ट्स हैं. राइट, मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड जो है, ये हार्ट के रिस्क जो है उसे कम करते हुए देखे गए, तो इनका इंटेक, मॉडरेट इंटेक होना अच्छा है. ट्रांस फैट जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके हार्ट के लिए, इसलिए इनका इंटेक सबसे कम, लेस देन 1%, जितना कम उतना अच्छा रहेगा. यानी कि अगर 2000 कैलोरीज की डाइट ले रहे हो तो 2 ग्राम से भी कम लीजिए. और सैचुरेटेड फैट जो है, ये भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो ये भी आपके हार्ट का रिस्क बढ़ा सकते हैं, तो इसको जो है 20 ग्राम तक ले सकते हैं. देखिए, 20 ग्राम, 2 ग्राम, सो इसमें फर्क समझना है. सो सैचुरेटेड फैट कहां से आता है, जो आपका डेयरी से, डेयरी फैट होता है, जो दूध की मलाई होती है, जो मीट से आता है, रेड मीट में सबसे ज्यादा होता है, चिकन ब्रेस्ट में कम होता है, एग व्हाइट में ना कि नहीं होता है, और कोकोनट या पाम ऑयल्स, घी, बटर, मक्खन, मलाई, उनमें सैचुरेटेड फैट्स हैं. ट्रांस फैट्स वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई हीट पे पके हुए वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, हाइड्रोजनेटेड, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, विच इज फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड या आउटसाइड, जो हम बाहर से खाते हैं. इसलिए बाहर का खाना जो है, दीज ट्रांस फैट्स आर वेरी टेस्टी, तो बाहर का खाना ज्यादा टेस्टी लगता है. पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है, ये फैटी फिशेज में होते हैं, फ्लैक्स सीड ऑयल, चिया सीड, कैनोला ऑयल, सो दे आर गुड ऑयल्स. अभी हमारा कोल्ड प्रेस कैनोला ऑयल भी आने लगा है मार्केट में, सो यू कैन टेक दैट ऑल्सो. मोनो अनसैचुरेटेड आर फाउंड इन ऑलमंड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, सो ये भी आप ले सकते हैं, क्वांटिटी मैं बता चुका हूं. सो फैट आप खाते हैं तो होता क्या है, अल्टीमेटली वट एवर यू ईट, वो आपके नीचे जाता है, आपके फूड पाइप से आपके स्टमक में. पहले होता है इमल्सिफिकेशन, यानी लिपिड डिस्पर्शन और रीअरेंजमेंट. फिर इस पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेजेस, पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, एंड ये सारे लाइपेजेस जो हैं इसको तोड़ते हैं, मिसिकल्स, वेसिकल्स बनाते हैं, और इट देन अब्सॉर्ब्स इनटू द ब्लड. एक बार वो ब्लड में आ जाए तो ब्लड में काइलोमाइक्रॉन्स इज वन टाइप ऑफ द जो फैट्स जो हैं, जिस प्रकार से ट्रैवल करते हैं और पेरिफेरल टिश्यू तक. ये ओवरऑल ओवरव्यू हुआ, इसको डेप्थ में समझते हैं. देखो, एक एंजाइम जो आपके काम करता है, विच इज योर लाइपेजेस, लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज इज इन द सलाइवा, सलाइवा में होता है, एंड देन देयर इज स्टमक में, गैस्ट्रिक लाइपेज आपके पेट में होता है. फिर ये सारे जो एंजाइम्स हैं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं, जो पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, कोलीपेजेस, हाइड्रोलेजेस, फॉस्फोलाइपेज ए बी, बाइल सॉल्ट, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये सब जो है कहीं ना कहीं आपके जो फैट्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, और इन सबको तोड़ के उनके छोटे मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. अल्टीमेटली द मोटा मोटा फैट इज ब्रेकिंग डाउन टू छोटा छोटा फैट, तो ये ध्यान में रखें. अब ये फैट जो है आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, एक बार एब्जॉर्ब होता है तो ये स्टोर कहां होगा, जाएगा कहां, वो भी समझेंगे, और ब्लड में जाता कैसे है वो भी समझेंगे. पहले समझते हैं उसका एंड, जाना कहां है, जाना है दे आर स्टोर्ड इनटू एडिपोस टिश्यूज, एडिपोस टिश्यूज और लिवर, ये दो जगह पे मेनली स्टोर होते हैं, इसीलिए लिवर में फैट भरता जाता है. अगर आप मोटे हो जाते हैं, फैटी लिवर होता है, एडिपोस टिश्यू जो आपकी चर्बी है पूरे शरीर में, पेट में, कमर में, थाई में, वो सब, सो देज, ये जो एडिपोस टिश्यूज में जाता है, इसे टिश्यू फैट या न्यूट्रल फैट कहते हैं. और लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है, जो ट्राइग्लिसराइड, जो काइलोमाइट्रॉन आपके ब्लड में घूम रहे होते हैं उनको तोड़ता है, फैटी, फ्री फैटी एसिड बनाता है, और ये फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ के आपके एडिपोस टिश्यू या लिवर के अंदर घुस जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड में घूमने वाले भी लिपिड्स, जो फैट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है.
ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्री फैटी एसिड हो तो वो एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट होता है। एल्ब्यूमिन क्या है? द प्रोटीन विच योर लिवर मेक्स। उसके बाद में जो दूसरे अलग प्रकार के जो फैट्स रह जाए वो लाइपोप्रोटीन्स बन के जो लिवर बनाता है लाइपोप्रोटीन, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन दैट फॉर्म। क्या है लाइपोप्रोटीन? लाइपोप्रोटीन में है काइलोमाइक्रॉन एंड काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट, जो सबसे बड़ा माइक्रो मॉलिक्यूल है। फिर है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। फिर है IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी। LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं हम, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और HDL, विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। सो इनका क्या काम है? VLDL जो है ये ट्राइग्लिसराइड को लिवर से लेके आपके एडिपोज टिश्यू या पेरिफेरल टिश्यू तक लेके जाता है, और इसीलिए पेरिफेरल टिश्यू में जाते हुए ये ब्लॉकेजेस में डिपॉजिट भी हो सकता है, स्टिकीनेस हो सकता है जहां पर भी प्रॉब्लम हो। वैसे HDL जो है ये VLDL और LDL भी सेम, जैसे बताया VLDR और LDL, ये आपके जो टिश्यूज से लेके ऑर्गन्स तक लेके जाता है, जैसे हार्ट, और स्पेसिफिकली LDL जो है वो हार्ट में लेके जाता है। HDL जो है इट बेसिकली टेक्स द कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द हार्ट, तो वो बैक टू द लिवर, हार्ट से लेके लिवर में लेके जाता है वापस टू ब्रेक डाउन। इसलिए HDL इज गुड, HDL ज्यादा होना चाहिए।